दो बहुत बड़े ट्रम्प कार्ड यहां पर कांग्रेस के लिए, और इन्हीं दो ट्रम्प कार्ड के साथ, क्योंकि हाल ही में हमने देखा था किस तरीके से सड़क पर प्रदर्शन इन दोनों ने किया था, मुखर चेहरे के तौर पर ये सामने आए थे, अब इनकी कार्ड बीजेपी के लिए ढूंढ पाना एक टेढ़ी कीर साबित हो सकती है। हालांकि कहां से ये चुनाव लड़ेंगे ये अभी फिलहाल तय नहीं है, लेकिन कयास कहां के लगाए जा रहे हैं? अगर नेहा मैं आपको अभी के हालात बताऊं तो ये दो बड़े जो नेता हैं, जो बड़े जाट चेहरे भी हैं, रेसलर भी रहे हैं, ओलंपियन भी रहे हैं, वो आज कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, जिससे देखा जा रहा है कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए तो ये बहुत बड़ा हरियाणा में पुश है। पर उसके साथ ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों जो प्लेयर्स हैं जो अब कांग्रेस के नेता बनने जा रहे हैं, ये कहां से लड़ सकते हैं। तो बजरंग पुनिया का कहा जा रहा है कि वो बादली सोनीपत से लड़ने के लिए इच्छुक है, वही दूसरी तरफ विनेश फोगाट को कहा जा रहा है वो जुलाना से लड़ने के लिए इच्छुक है, क्योंकि जो उनके हस्बैंड है सोमवीर सांगवान, उनका जो पुश्तैनी गांव है वो जुलाना में है, बख्ता खेड़ा गांव है उनका, और जुलाना जो है वो जींद में पड़ता है, जिसे जाट लैंड भी कहा जाता है। अगर आप बात करें जींद के तीन कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, चाहे वो जुलाना हो, निर्वाना हो, उचाना हो, वहां से पिछले साल देखा गया जेजेपी जननायक जनता पार्टी जीती थी, पर इस बार की जो हवा है वहां देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस वहां पर स्ट्रांग होती दिख रही है। जो जाट वोट बैंक है, जो बड़ा वोट बैंक है इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरह शिफ्ट होता दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे सूत्रों का यह कहना है कि जो विनेश फोगाट है वो जुलाना से लड़ने के लिए, मैं कि अपने पति के जो पैतृक गांव का इलाका है वहां से लड़ने के लिए इच्छुक है, पर यह अभी देखा जाएगा कि पार्टी उनको कहां से लड़ने का मौका देती है। कमलजीत भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद है। कमलजीत, ये दो बड़े चेहरे जो कांग्रेस पार्टी में तो आ गए हैं, लेकिन अब दिक्कत तो इस बात की भी कई बार रहती है कि जब नए चेहरे आते हैं तो पुराने को साइडलाइन तो करना ही पड़ेगा। मतलब जिस तरह से बादली के लिए बात हो रही है यहां पर बजरंग की, अगर वहां कुछ फेरबदल होता है तो अंदर खाने भी कांग्रेस में घमासान छिड़ सकता है, जो हम बीजेपी में टिकट बंटवारे के बाद देख रहे हैं। क्या कांग्रेस में भी ऐसी संभावना हो सकती है, और अगर ऐसी होती है तो कांग्रेस से निपटने के प्रयास क्या होंगे उनके? देखिए, हरियाणा में इस वक्त जो हो रहा है वो है चुनावी दंगल, और इसमें हाथापाई भी हो सकती है, और साथ ही साथ हमने देखा है जिस तरह से बीजेपी में बगावती तेवर नजर आ रहे हैं, उसी तरह के तेवर हमें कांग्रेस में भी नजर आ सकते हैं। लेकिन यहां पर फेरबदल इस तरह से किया जा रहा है ताकि विनेबिलिटी देखा जाए। इस वक्त जो हवा की रुख है वो विनेश के फेवर में है, जिस तरह से पूरी देश की निगाहें हैं वो उन पर रही हैं, काफी हद तक उन्होंने महिलाओं की सेफ्टी सुरक्षा का मुद्दा उठाया था। उसके अलावा अगर हम बात करें वहां पर जिस तरह से जो पंच हैं और सरपंच हैं, उन्होंने उनकी उनको रिवॉर्ड भी किया, उनको सम्मानित भी किया, तो एक तरह से देखा जाए तो जिस तरह की पॉपुलैरिटी विनेश ने हाल फिलहाल में गेन की है, जिस तरह से बजरंग पुनिया ने उनको सपोर्ट किया है, तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो रेसलर्स हैं वो एक साथ हुए हैं, और साथ ही साथ जनता भी उनके हक पर है, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा कांग्रेस पार्टी उठाना चाहती है। और पिछले कई दिनों से ये बात चल रही थी, कभी हाँ कभी ना, कि राजनीति जा सकती है नहीं जा सकती है। उसी बीच में हरमंदिर साहिब गई, कटरा पहुंची, वहां पे वैष्णो देवी मां। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये सारी जो लगातार प्रयास है, एक चीज संकेत जरूर दे रही थी कि विनेश फोगाट जाएंगी राजनीति में। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें जिस तरह से प्रक्रिया चली है, बात यह है कि टक्कर किसके साथ होगी, और विनेश फोगाट अगर जीत कर आती है तो उनको क्या मिलता है। लेकिन जैसे हम कह रहे हैं कि पॉपुलैरिटी का फायदा उठाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है, और यहां पर इस वक्त ये एक बड़ी मुहिम है कांग्रेस की तरफ से, जहां पे बगावती तेवर नजर आ रहे हैं, नहीं तो अक्सर हम कांग्रेस पार्टी में इस तरह से देखते हैं। लेकिन यहां पे कोशिश ये भी रहेगी कि राहुल गांधी ने जहां पे मल्लिकार्जुन खड़गे जाने जहां पे हस्तक्षेप किया है, वहां पर कोई ना कोई जो पार्टी लीडर है अपनी सीट देकर जरूर इनको जगह देगा। और क्योंकि ये भी तय माना जा रहा है कि ये जो इलाका है, चाहे चरखी दादरी का हो, अगर हम बात करें जुलाना का इलाका हो, तो यहां पर जिस तरह की पकड़ जाटलैंड में इस वक्त विनेश की है, वहां पे इनका जीत जाना लगभग तय माना जा रहा है। तो जाहिर सी बात है विनेबिलिटी एक बात है, लेकिन इससे एक हवा का जो रुख है कांग्रेस अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही है। अगर आप लोकसभा की बात करें, हमने देखा है कि 5 सीटें कांग्रेस के खेमे में गई थी तो 5 बीजेपी के, तो ये 19-20 की लड़ाई है, और इस बीच में बाजी कौन मार जाता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन रेसलर्स का दमखम लेकर, और योगेश्वर दत्त ने भी बगावती तेवर दिखाए हैं, तो जाहिर सी बात है अब कौन सा प्लेयर किस पार्टी की तरफ जाता है और कितना दमखम दिखाता है, ये सारी चीजें उसमें आ जाएंगी।
अनमोल बाली भी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। अनमोल, देखिए हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए इस बात को लेकर बहुत बड़ी पशुपेश है कि किस सीट से किसको लड़ाया जाए। अब अगर इन दोनों को कहीं ना कहीं कांग्रेस को फिट करना है तो जैसा कि अर्पिता कह रही थी, कुछ लोग नाराज भी होंगे, लेकिन जाहिर तौर पर यहां पर जो सिंपथी वेव है वो बजरंग पुनिया से ज्यादा विनेश फोगाट के लिए रहेगी। तो उस सीट से विनेश फोगाट को लड़ाया जा सकता है जहां पर कांग्रेस अपने आप को मजबूत स्थिति में नहीं पाती है, चाहे विनेश के कुछ भी प्रेफरेंस हो। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अभी जो विनेश फोगाट की तरफ से हमारे सूत्रों ने बताया है कि कहना है कि वो जुलाना से लड़ना चाहती हैं, जहां उनके पिता, जहां माफ कीजिएगा, उनके जो पति हैं उनका पैतृक गांव है भक्ताखेड़ा, वहां से। पर वहीं कहीं ना कहीं ये भी आवाज उठ रही थी कि कहीं उनको बादली से भी टिकट दिया जा सकता है, माफ कीजिएगा, यहां चरखी दादरी से भी टिकट दिया जा सकता है, क्योंकि सारा जो इलाका है इसे जाटलैंड बोला जाता है, जहां जाट जो समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं, किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, वो भारी गिनती में रहते हैं, बड़े वोटर्स हैं। पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के सूत्रों का यह भी कहना है कि उन्होंने बोला है कि आप कोई अर्बन सीट से भी लड़ सकती हैं, क्योंकि आप अब बड़ा फेस बन चुकी हैं, आप वहां से लड़िए, और यहां से कहीं ना कहीं कांग्रेस किसी और उम्मीदवार को भी उतार सकती है। पर अभी जो अचरज का दौर है, सवालों का दौर है, वो जारी है। पर कहीं ना कहीं जो अटकलें लगी हुई थी क्या विनेश राजनीति में आएंगी, वो अब साफ होती दिख रही है, क्योंकि पहले दिन से ही देखा जा रहा था जब विनेश भारत लौटती है ओलंपिक से, देखा जाता है दीपेंद्र हुड्डा जो कांग्रेस के बड़े नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के बेटे भी हैं, वो उनको लेने आते हैं, कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं उनका स्वागत करते हैं। मैं उस समय उनके साथ ही चल रहा था जब वो दिल्ली एयरपोर्ट से अपने गांव। बने रहिए हमारे साथ और इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। इसके साथ ही आपको ये बता दें कि एक बार फिर आपको ये बता दें कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया औपचारिक तौर पर कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। हरियाणा चुनाव को लेकर यह बड़ी खबर आ रही है, लगभग 1 से 1.5 बजे के बीच ये औपचारिक ऐलान किया जा सकता है सार्वजनिक मंच पर। दोनों कांग्रेस का दामन थाम लेंगे और हरियाणा से चुनाव लड़ेंगे। जुलाना से चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं विनेश फोगाट के लिए, जबकि बजरंग पुनिया कहां से चुनाव लड़ने वाले हैं ये तय नहीं है। इसके अलावा जहां पर भी ज्यादा जाट वोट बैंक है वहां पर ही कांग्रेस इन दोनों को लड़ाएगी, ये बात तो तय है। आज तक से बातचीत में दोनों ने साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। तो आज ही कांग्रेस में दोनों की औपचारिक एंट्री होने जा रही है, दोनों पहलवानी जगत के जाने माने नाम। और हाल ही में विनेश फोगाट जिस तरीके से ओलंपिक में उनका परफॉर्मेंस रहा, जाहिर तौर पर एक बड़ा नाम, एक बड़ा चेहरा जिसको कांग्रेस अब भुनाना चाहेगी।